उन लोगों की छोटी छोटी हरकत ना हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मिश्रा जी। अब इतनी बड़ी बदनामी के बाद भी अगर उस शहर में रहे तो वो आपकी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। देखिए, हम और कुछ नहीं चाहते, हम तो बस ये चाहते हैं कि भगवान करे वो मुजफ्फरपुर छोड़ के चले जाए, वो अपनी जिंदगी जिए और हम अपनी जिंदगी जिए, बस। शायद अब ठीक करें रीता जी। दादी अब सो जाइए आप, सारी रात आपने जाग के गुजारी है। हम कौन से अकेले जाग रहे थे, वैसे भी इस घर में तो नींद आने से रही। दादी बस कुछ दिनों की बात है, देखना समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। समय कैसा भी हो बदल ही जाता है, लेकिन लोगों के मन में आए बात वो इतनी आसानी से ना ही बदलती। अब ये सब गरीब नाथ के हाथ में है, हमरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है हमरे गुडवा को का हो गया है, काहे ऐसी उठपटांग हरकतें कर रहा है। दादी अब आप ये सब सोच कर ना अपना मन उदास मत कीजिए, चलिए सोने की कोशिश कीजिए आप। हम तो भगवान जी से ये प्रे कर रहे थे कि माँ को वो साहूकार जल्द से जल्द पैसे दे दे, एक बार वर्मा जी के नुकसान की भरपाई हो जाए तो माँ को भी टेंशन नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए, कल का दिन रंजू और उसकी फैमिली पर बहुत भारी पड़ने वाला है। दीदी ये वर्मा जी ना किसी और के इशारे पर चल रहे हैं। आप सबको याद है ना, हमने उन्हें किसी और से बात करते हुए सुना था और तब हम सब ने ये फील किया था कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इन सब में गुड्डू मिश्रा और लकी विकी का हाथ है। फोटो वाला रिपोर्टर बहुत ही शर्मिंदा है, अपना गलती मान रहा था वो और बोल रहा था कि एडिटर द्वारा कल माफीनामा छप जाएगा। हे भगवान, कहीं वो फोटो जर्नलिस्ट ने भुवन को सब कुछ सच तो नहीं बता दिया? पता नहीं यार, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस बात को सच समझें और किस बात को साजिश। दीदी हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि लकी विकी हमें परेशान करने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। कितना नफरत करते वो हम सबसे। जितनी नफरत वो हमसे करते ना उससे दुगनी नफरत हम उन्हें वापस लौटाएंगे। हमें बदनाम करने चले थे, हम उन्हें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। पर दीदी हम करेंगे क्या? दीदी अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं। बोलो ना। मुझे ना बहुत भूख लग रही है। सॉरी, इन सब टेंशन के बीच में हम तो भूल ही गए थे कि टिया को भूख भी लग सकती है। अच्छा रुको, हम बाहर से आपके लिए दूध और ब्रेड लेकर आते हैं, ऐसे भी दादी को भी उठने के बाद चाय चाहिए होगी। दीदी हम भी चलते आपके साथ। आप लोग जाइए, तब तक हम सोचते हैं कि वर्मा की साजिश का पर्दाफाश कैसे करना है। हम ललिता मिश्रा के कहने पर सेंटर में आग लगवाए थे। इस काम के लिए हमें पैसा भी मिला था। ललिता कौन है? गुड्डू मिश्रा की दूसरी बीवी। भैया जी मामला सुलट गया है, फोटो वाला रिपोर्टर बहुत ही शर्मिंदा है, अपना गलती मान रहा था वो और बोल रहा था कि एडिटर द्वारा कल माफीनामा छप जाएगा। भैया जी एक बात और। अब और क्या बचा है कहने के लिए? अब भैया देखिए भुवन, हमें जितनी जानकारी चाहिए थी आपने दे दी, बस। मिश्रा जी आपको ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है,
आज आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी तो थी। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अरे भाई, वो हमारी वो कोटेशन फाइल नहीं मिल रही हमें। चिंता मत कीजिए, वो स्टडी रूम में। आपके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। चलते। हे भगवान, कहीं वो फोटो जर्नलिस्ट ने भुवन को सब कुछ सच तो नहीं बता दिया।